जनरली मैं क्या स्कूल में करता हूँ कि जब बच्चे क्लास में किसी किसी को बुलाने के लिए आते हैं, किसी काम के लिए आते हैं, तो आई डू प्रेशराइज देम कि आपको इस तरीके से बोलना है, और उसके लिए हम 2-3 बार रिटेक भी लेते हैं कि दोबारा वापस आइए, बताइए आपको क्या चाहिए, किस बच्चे से आपको पेंसिल चाहिए, किस कारण आप क्लासरूम में आए। और जब वो अगली बार आता है तो उसका कंफर्ट जोन हो जाता है कि हाँ वो चीज़ वो सीख चुका है। अब जैसे एक छोटा सा वाक्य है कि बच्चा बहुत शर्मीला है और उसे इंटरेक्ट करने में बाहर के लोगों से बड़ी समस्या आती है। अब ये स्लो प्रोसेस हमें कैसे सुधारना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना है या मुझे कोई बाहर की चीज खानी है। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, आपको बर्गर हम दिला देंगे, लेकिन आपको ऑर्डर खुद करना पड़ेगा, और ऑर्डर भी खुद करना पड़ेगा, और आपको पैसे मैं दे देता हूँ, पैसे भी लेकर आने, हिसाब भी आपको खुद रखना है। अब बच्चे के पास 2 विकल्प है, या तो वो बर्गर ना खाए, या फिर अगर वो खाएगा तो फिर उसको डील करना पड़ेगा। तो यहां पर अब बर्गर उसे जरूर खाना है, तो उसने क्या करा, बर्गर इतना प्रभावित करा तो बच्चा बर्गर लेने जाता है, खुद ऑर्डर करता है, पूरा हिसाब लेकर आता है, और जो उसके पेरेंट हैं, दादाजी और दादी हैं, उस बात को लेकर बड़े इंप्रेस होते हैं, भावुक भी हो जाते हैं कि जहां पर उम्मीद नहीं थी कि इस कार्य को कर पाएगा, उस बच्चे ने वो कार्य करा। और यहां पर क्या होता है, अब मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि हम जो विषय पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दोनों तरीके से कोशिश होती है कि हम लेफ्ट और राइट ब्रेन, बाएं और दाएं, बाएं मतलब जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। तो जो बाएं मस्तिष्क है वो एक लॉजिकल थिंकिंग को प्रभावित करता है, और जो आपका दाएं है उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप सब्जी खरीदने गए तो आपने देखा कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करके आप वहां पर फोकस कर रहे हैं कि कौन सी सब्जी रसदार है, किस में कितना रस निकलेगा, किसका कलर कैसा है। तो यहाँ पर आपका दाएं दाएं ब्रेन काम कर रहा है, यहाँ पर आप लॉजिकली थिंकिंग काम कर रहे हैं कि हाँ इसके बाद हमें ये लेना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बाएं ब्रेन को, राइट ब्रेन को, नहीं बाएं मतलब, अब मैं देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट, तो वहां पर आपका बाएं ब्रेन काम कर रहा है। तो ये हम बच्चों से बातचीत करते हुए छोटी छोटी चीजों में हम ये महसूस कर सकते हैं कि बच्चे का किस तरह बच्चा ज्यादा चल रहा है, कि वो उसका बाएं ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट या फिर दाएं ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, हमें ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि दोनों का ही हमें बैलेंस बनाना है, कि बाएं बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट ब्रेन बराबर काम करे, और उसको हमें डेवलप करना है। अब जैसे एक छोटी सी मैंने आपको एक वाक्य बताया कि जो छोटी सी कहानी बताई दादाजी और पोते की, उसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट करा था लेक्चर तो मैंने बोला था कि सवाल पूछते हैं बच्चे बहुत, हमारे पास उसके जवाब नहीं दिए जाते। अब एक छोटा सा वाक्य और बताता हूं मैं आपको कि एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा आप पढ़ाई कम करते हो इसलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। तो अगली बार बच्चे ने पढ़ाई बहुत